हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे गुजराती स्टाइल गेहूं के आटे की फर्सी पूरी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये दिखने में जितनी सिंपल है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। और आप ना इसे 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। फर्सी पूरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप जितना गेहूं का आटा लिया है। अब हम इसमें 4 से 5 चम्मच जितनी जो बारीक वाली सूजी आती है ना, वो ऐड की है। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच जितनी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच जितनी हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच जितनी हम इसमें हींग ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच जितनी हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच जितनी आमचूर पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 से 1.5 चम्मच जितने हम इसमें सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। अब हम इसमें ना कसूरी मेथी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जितनी कसूरी मेथी ली है और 2 बड़े चम्मच जितना हम इसमें तेल ऐड करेंगे। अब हम सारे मसालों को ना आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ना आटा लगा लेंगे। तो हम जैसे पूरी और पराठे का आटा लगाते हैं ना, बस बिल्कुल उसी तरह से हमें ये आटा लगा लेना है। तो आप ना इस फर्सी पूरी को त्योहारों पे बना सकते हैं या शाम के नाश्ते में चाय के साथ, तो ये पूरी बहुत ही टेस्टी लगती है। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आप इसे बना सकते हैं। तो बस इस तरह से हम ना इसको आटा लगा लेंगे और इस आटे को ना हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि आटा भी अच्छे से फूल गया है, क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड की थी। अब थोड़ा सा ऊपर से तेल लगा के ना आटे को अच्छे से मसल लेंगे। अब हम इसका ना एक बड़ा सा पेड़ा ले लेंगे और इसको ना अच्छे से बेल लेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से ना हमें पूरी रोटी बेल लेनी है, यानी कि ये हमारा जितना चकला है ना, उतनी ही मैंने इसको बेल लिया। और आप देख सकते हो ये ज़्यादा मोटी भी नहीं है और ज़्यादा पतली भी नहीं है, बिल्कुल इस तरह से हमें इसको बेल लेना है। तो अब ना मैं इस ढक्कन की मदद से इसको राउंड राउंड कोइन जैसे शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो कटोरी से थोड़े बड़े भी बना सकते हो। तो बस इस तरह से ना हमें सारी पूरी पहले बना लेनी है। अब ना इस तरह से हमें इसको कट लगा देना है, दोनों साइड हमें इसे कट लगा लेना है, ताकि हम जब इसे फ्राई करेंगे तो ये फूले नहीं। तो बस बिल्कुल इस तरह से ना हमें सारी पूरी बना लेनी है। तो मैंने यहाँ पे सारी पूरी बना ली है और तेल को मैंने पहले से ही गरम करने के लिए रख लिया था। अब हम इसमें एक एक करके पूरी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 6 से 7 पूरी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो जब हम पूरी को तेल में ऐड करेंगे, तब हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और थोड़ी देर के बाद ना गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और इसे ना उलट पुलट के दोनों तरफ से ना अच्छी गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए, तब तक फ्राई कर लेनी है। तो आप बिल्कुल इस तरह से अगर ये फर्सी पूरी बनाएंगे ना, तो आपकी पूरी एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। तो बस हमारी ये फर्सी पूरी बनके रेडी हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।